नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा वैलिडेशन। अगर कुछ आपका फॉर्म वगैरह भरते हैं या तो आपका रिजल्ट वगैरह बनाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि कुछ गलत डाटा यहाँ पे हम टाइप हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन का। तो चलिए आइए सीखते हैं एक्सेल में डाटा वैलिडेशन। तो दोस्तों, डाटा वैलिडेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा टैब में। डाटा टैब यहाँ पे जो है, डाटा टैब में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा टूल के अंदर रहेगा एक ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। उसको ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, डाटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डाटा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। तो सबसे पहले डाटा वैलिडेशन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे नेम है, तो नेम के बॉक्स में सिर्फ नेम ही हो। अगर मान लीजिए मैं 56 टाइप करता हूँ तो एरर आ जाता है कि 56 जो है वैलिड ऑप्शन नहीं है, ये डाटा हम लोगों का वैलिड नहीं है। मार्क्स यहाँ पे है 0 से लेकर 100 होता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 101 कर देता हूँ तो एरर आ जाता है कि ये वैल्यू जो है वो रिस्ट्रिक्शन के बाहर है, आप इसको सुधार कीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए ये सीखते हैं। तो उसके लिए जैसे मार्क्स, सबसे पहले मैं सारा का सारा डाटा वैलिडेशन हटा देता हूँ जो मैंने लगाया हुआ था। तो यहाँ पे ओके करके, यहाँ पे क्लियर ऑल करके ओके कर देता हूँ। अभी आप देख पा रहे, यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा तो नंबर भी देखो वो ले रहा है, बट हम नहीं चाहते कि यहाँ पे नंबर कोई इनपुट कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना सेल में आपको डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है उतना सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप खुलेगा सेटिंग का। सेटिंग में यहाँ पर आप देख पा रहे वैलिडेशन क्राइटेरिया, तो वैलिडेशन क्राइटेरिया में यहाँ पे अलाउ करके लिखा हुआ, उसमें यहाँ ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन है, एनी वैल्यू, वॉल नंबर, डेसिमल, लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे देखो ये टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम करते हैं टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे जो बिटवीन लिखा है वहाँ पे करेंगे हम लोग ग्रेटर देन। जैसे कि आप देख पा रहे कोई भी नाम होगा तो ऑब्वियसली वो दो अल्फाबेट से ज़्यादा का ही रहता है, तो यहाँ पे हम दो करके अगर एंटर कर देते हैं तो हम लोगों का डाटा वैलिडेशन यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे कोई 56 टाइप करेगा तो मना करेगा कि ये जो डाटा है वो गलत है। अगर कोई सिर्फ ए टाइप करके एंटर करेगा तब भी ये बोलेगा कि ये डाटा जो है गलत है, इसको सुधार कीजिए। बट यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए दो अल्फाबेट से ज़्यादा लिखेगा तो यहाँ पे ये वो सक्सेसफुली ले लेगा। सेम अगर हम मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स जो है हम लोगों को 0 से लेकर 100 में देना है, तो मार्क्स वाला जो एरिया है उस सबको सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो सिलेक्ट हो गया मार्क्स वाला एरिया। अभी यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाके हम यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह सिलेक्ट करेंगे होल नंबर। यहाँ पे आप डेसिमल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेसिमल का मतलब है अगर आपको 0.5 या 0.3 नंबर्स अगर देना होता है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको होल नंबर मतलब 1, 2, 3 फिक्स नंबर अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप होल नंबर सिलेक्ट करेंगे। होल नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बिटवीन ऑप्शन है, मिनिमम में आप करेंगे 1, मैक्सिमम में जितना भी आपका मैक्सिमम मार्क होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ओके करने से हम लोगों का डाटा वैलिडेशन जो है इतने सेल में अप्लाई हो गया है। यहाँ पे अगर मैं 101 करता हूँ तो नहीं लेता है, यहाँ पे एरर आ जाती है। यहाँ पे 100 है, 100 ले लेगा ऑब्वियसली। बट दोस्तों अगर हम लोग 0 यहाँ पे टाइप करेंगे तो 0 ये ऑप्शन नहीं लेगा, क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम जो इसका वैल्यू है वो 1 रखा हुआ था। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 ये ऑब्वियसली ले लेगा। अभी हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में है, सर्कल इनवैलिड डाटा। तो ये कब काम आता है, ये मान लीजिए मैं अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ, ये वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ था डाटा वैलिडेशन, उसको हम क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करने के लिए जो सिलेक्टेड सेल है यहाँ पे फिर से आप डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे नीचे ऑप्शन तक क्लियर ऑल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन ओके करेंगे तो ये जो है अभी ये क्लियर हो गया। अभी आप टेक्स्ट डालेंगे तो टेक्स्ट ले लेगा, यहाँ पे आप 500 डालेंगे तो 500 ले लेगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी मान लीजिए हम चाहते हैं कि 50 से नीचे का मार्क्स जो है वो सर्कल में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जितना सेल्स का वैल्यू हम लोगों को चाहिए उतना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हम लगन कर लिया, फिर डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे हम करेंगे होल नंबर। होल नंबर के बाद यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं 50। तो 50 से ज़्यादा का होगा वो सही वैल्यू है, 50 से कम वाला जो है गलत वैल्यू है। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 डाला था तब भी 1 वाला जो यहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसको वो एज इट इज रखता है। बट अगर मैं इस सेल में अभी और नेक्स्ट डाटा जब डालने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं लेता है। तो जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो कौन कौन सा गलत है, तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन के पास एक एरो है ड्रॉप डाउन का, वहाँ पे क्लिक करके
आप चले जाएंगे सर्कल इनवैलिड डाटा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो जो इनवैलिड डाटा वो यहाँ पे एक सर्कल हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाया था 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तो जो जो डाटा 50 से कम होगा वो यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन जाता है। अगर मान लो यहाँ पे मैं चेंज करके 60 कर देता हूँ तो ये सर्कल चला जाएगा। यहाँ पे 31 है, 31 को मान लीजिए मैं चेंज करके कर देता हूँ 66 तो यहाँ पे चला गया। 20 है, 20 को 80 कर देते हैं तो ये चला जाता है। तो डाटा वैलिडेशन में जो हम लोगों ने वैल्यू इनपुट करते हैं उसका अगर पहले से कुछ डाटा रखा हुआ जो कि गलत था तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वो सर्कल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए अभी सर्कल भी हटा देते हैं, सर्कल मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अभी बात करते हैं ड्रॉप डाउन की। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं जो ये जेंडर है या तो सेक्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी नेम के बाद एम एफ ये सब लिखा हुआ, मतलब मेल फीमेल एक्सेट्रा जो भी है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करते तब भी ये एक्सेप्ट कर लेते, बट हम नहीं चाहते कोई टाइप करे, हम चाहते ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर ले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जेंडर वाला पूरा कॉलम है पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। ये जो पॉपअप आएगा उसका अलो वाला जो रेंज होगा, अलो में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है इन सेल ड्रॉप डाउन, यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ, मतलब ये जब भी आप वो सेल में कर्सर लेके जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन खुलेगा। सोर्स में हम लोग कुछ भी सेल में अगर डाटा लिखा हुआ तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइधर आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमें पहला ऑप्शन है एम देन कोमा करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का रहेगा एफ, ट्रांसजेंडर भी डालना है तो कोमा करके तीसरा ऑप्शन रहेगा टी, यहाँ पे ओके करेंगे, ये हम लोगों का ऑप्शन हो गया रेडी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ। अभी आप देख पा रहे कोई भी सेल जो है, ये सेल में मैं जाऊँगा तो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मेरे को नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मैं जाऊँगा तो एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आता है जिसमें मुझे डायरेक्ट पूछता एम एफ और टी, आपको तीन में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऐसा करके ये ड्रॉप बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड हो गया है। इसको मैं भी फिलहाल के लिए सबके सब डाटा वैलिडेशन को हटा देता हूँ, तो ओके करेंगे, क्लियर और करेंगे ओके, तो सबका सब डाटा वैलिडेशन जो भी हट गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डाटा वैलिडेशन में इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इनपुट मैसेज की अगर बात करें तो इनपुट मैसेज क्या इंडिकेट करता है, जिस सेल में आपने डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है उस सेल के पास आप कर्सर लेके जाएंगे या तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक इनपुट मैसेज देगा। वो क्या इनपुट मैसेज रहेगा, वो इनपुट मैसेज वो रहेगा जो आप यहाँ पे इनपुट मैसेज में टाइप करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं मार्क्स का, मान लीजिए मैं अभी पहला 5 सेल ही सिलेक्ट करता हूँ, तो 5 सेल सिलेक्ट करने के बाद ये डाटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग में हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 50 से लेके 100 तक अगर कर देते हैं हम वैल्यू इसका। इनपुट मैसेज में हम कर देते हैं टाइटल में कर देते हैं दिस इज मार्क्स, जो कि बोल्ड में आएगा। यहाँ पे इनपुट मैसेज करते हैं ओनली 50 to 100, ये हमारा इनपुट मैसेज हो गया रेडी। अब यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो मैं कोई भी और सेल अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेज या इनपुट मैसेज नहीं आता, बट ये जो 5 सेल हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट मैसेज आ जाता है दिस इज मार्क्स ओनली 50 to 100, जो मैसेज हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये काम होता है इनपुट मैसेज का। अभी हम बात करते हैं एरर अलर्ट की। तो सबसे पहले 5 सेल सिलेक्ट कर लेते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाके सेटिंग हम लोगों का रहेगा, इनपुट मैसेज हम लोगों का भले रहता है। एरर टाइप में अगर देखेंगे एरर अलर्ट में, तो एरर अलर्ट में स्टाइल यहाँ पे 3 है, स्टॉप वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब होता है वो स्टॉप करेगा, आपको आगे प्रोसीड करने नहीं देगा। आप इस मैसेज को कस्टमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं कि ओनली या तो जो भी यहाँ पे मतलब टाइप करना है वो आप यहाँ पे एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप किया हुआ है तो देखते मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 टाइप करता हूँ तो 40 नहीं लगा, जो हम लोगों ने वहाँ पे एरर मैसेज टाइप किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। रिट्राई करने के लिए बोलेगा कि 50 हम लोगों ने रेंज लगाया तो 50 से ज़्यादा डालो, बट 40 या 45 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी जैसे मैं फिर से अगर सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको मैं कस्टमाइज मैसेज को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वार्निंग सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए 40 करूँगा, जैसे 86 है, यहाँ पे मैं 40 करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वार्निंग आएगा कि दिस वैल्यू डजेंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल कंटिन्यू। अब मान लीजिए हम यस करते हैं तो हम लोगों का डाटा वैलिडेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको बाईपास करके यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करने देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और एक बार एंटर करूँगा तो यहाँ पे सेम यहाँ पे पॉपअप आएगा, वार्निंग आएगा
कि आपका वैल्यू जो है वो डाटा वैलिडेशन से कम है, कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो डाटा वैलिडेशन बाईपास होकर यहाँ पे वैल्यू जो है वो हो जाता है। तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं 51 यहाँ पे मैं 4 करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन डिफेंस सेल। बस यहाँ पे ओके करेंगे, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वैल्यू आपका मैच नहीं कर रहा है, दैट्स ऑल। तो ये होता है तीन टाइप का एरर अलर्ट। स्टॉप करने से वो आपको आगे प्रोसीड करने नहीं देगा, वार्निंग करने से एक बार आपको पॉपअप खुलेगा कंटिन्यू करने के लिए यस और नो, जिसमें ऑप्शन आएगा यस करेंगे तो ही वो सिलेक्ट होगा। इन्फॉर्मेशन करने से सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये जो है आपका रिस्ट्रिक्शन से बाहर है। तो ये था इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो आज की वीडियो में यही था डाटा वैलिडेशन के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में मेरे को बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और अगर आप एक्सेल में कुछ और जानना चाहते हैं तो क्या जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर जरूर बनाऊंगा। तो मेरे चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।